हाय एव वन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और इस वीडियो में आप सबका वेलकम आज से आईपीएल का आगाज़ हो रहा है और आईपीएल की पूरी मस्ती आपको कहाँ मिलती है आपको अच्छी तरह से पता है तो इस साल भी वैसा ही कुछ रहेगा पूरे दिन आप सबके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस आते रहेंगे और आई होप आप सब लोग इन्जॉय करेंगे लेकिन खबरें जो जो आई हुई हैं वो हर रोज़ की तरह आपको बताता हूँ मैं तो आज जो शुरुआत होने वाली आई पी सीज़न की वो होगी के, के और सी के मैच के साथ में और सबकी उम्मीदें रहेंगी रविंद्र जडेजा पर और क्योंकि रविंद्र जडेजा को अभी कप्तानी मिली है सी की और धोनी उनके अंडर खेलते हुए आपको दिखाई देंगे तो किस तरीके से एक ट्यूनिंग रहती है वो देखने वाली बात रहेगी और रिकॉर्ड्स आप देखें तो सी बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई देती है के के आर के कंपेरिजन में क्योंकि दोनों के बीच में 27 मुकाबले हुए हैं और 27 में से 18 मैचेस जो हैं वो सी एस के ने जीते और सिर्फ 9 मैचेस में केके आर को जीत हाथ लगी सी एस के सामने तो देखते हैं किस तरीके से आज वाला मुकाबला रहता है ओपनिंग ये मैच रहता है इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर आई आज से शुरू हो रहा है और आज जो पहला मैच है आ, होने वाला है उससे ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा फैसला लिया है अब दरअसल क्या कुछ हुआ है वो सब आपको पता होगा लेकिन फिर भी अगर आपने मिस किया है तो आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं दरअसल सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स के एक फोटो पोस्ट किया गया जिसमें संजू सैमसन थे और संजू सैमसन का जो फोटो था उसको जो सोशल मीडिया मैनेजर थे उनकी तरफ से एडिट किया गया और कुछ कैप्शन के साथ में पोस्ट किया गया उसके बाद संजू सैमसन को ना फ़ोटो पसंद आया और उन्होंने फिर जो अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर दिया कि दोस्तों में इस तरह का मजाक चलता है लेकिन एक टीम को थोड़ा प्रोफेशनली वर्क करना चाहिए तो इस तरीके से जब एक ट्वीट आया कप्तान की तरफ से तो फिर राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला उन्होंने लिया जो एडमिन थे जो मैनेजर थे जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स का उनको रातों रात सैक कर दिया गया और अब सोशल मीडिया राजस्थान रॉयल्स का वो टीम हैंडल नहीं करेगी जो अभी कर रही थी और इसकी वजह मैंने आपको बताई राजस्थान रॉयल्स के हैंडल पर जो संजू सैमसन को लेकर के जो ट्वीट किया गया उनका फ़ोटो ये रही तो एक ऑफिशियली स्टेटमेंट भी जारी किया है राजस्थान रॉयल्स ने अब क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के इंटरनल चीज़ थी लेकिन उसके बाद जो लेट नाइट एक जो स्टेटमेंट था वो जारी हुआ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और उन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया टीम थी वो हटा दी गई है और अब नई सोशल मीडिया टीम की तलाश की जा रही है सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनको मैनेज करने के लिए ताकि फैंस एंटरटेनमेंट फैंस को मिलता रहे तो ये खबर थी बड़ी खबर थी इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर आ, जो खबर है वो है फैब डुप्लिस से जुड़ी हुई है फैफ डुप्लिस ने बोला है कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेल के उनका जो थिंकिंग पैटर्न है उनका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा उनके लिए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा वो काफ़ी ज़्यादा लकी फील करते हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेले और जो कप्तानी वाले जो गुण हैं वो उनसे कुछ कुछ ले पाए हैं वो ऐसा फैड्रोकिस का कहना है इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई और 115 रनों से उन्होंने इस टेस्ट मैच को जीत लिया अब नेथन लायन ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट है पैट कमिंस ने तीन विकेट है और इस तरीके से कुछ जीत मिली ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के अंदर तो एक बड़ी जीत और जिस तरह से पूरा सब रहा शाहीन अफरीदी वर्सेस वार्नर और उसके बाद फिर जो विकेट्स गिरने पर वार्नर का सेलिब्रेशन था हसन अली वाले स्टाइल में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं आप उनको भी जा करके देख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं अगली ख़बर की तो फिर अब अगले साल से यानी कि दो से हो सकता है कि आपको एक साल में दो बार आई दिखाई दे दो बार कैसे एक बार होगा मैंस आई और हो सकता है कि शुरू हो जाए वुमेंस आई तो एक खबर ये आई हुई है हालांकि इस पर ऑफिशियली अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है लेकिन जैसी कुछ खबर आएगी तो वो आपको बताई जाएगी तो इस तरीके से कुछ आज के इस वीडियो में जो जो बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लगातार आप सबके लिए एंटरटेनमेंट जारी रहेगा तो फिर आप वीडियोस देखते रहिएगा इन्जॉय करते रहिएगा और अब मुलाकात होती है आपसे कल कुछ और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए बाय बाय